हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से उनके पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद से ही इस मामले में नया मोड़ आ गया है और आए दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। बिहार पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस इस केस में बिहार पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही। हाल ही में सुशांत मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया और जिसके बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किए जाने को लेकर सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। विकास सिंह ने कहा कि लोगों को क्वारंटीन में रखकर इस तरह के मामले की जांच कैसे बाधित की जा सकती है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी तरह मुंबई पुलिस सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहती है। चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कहा वकील विकास सिंह। इट इज वेरी वेरी सैड इफ यू आस्क मी एंड इट इज वेरी डिस्गस्टिंग हाउ कैन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच अ सेंसेशनल केस बी यू नो सॉर्ट ऑफ स्टॉप्ड और बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय कीपिंग पीपल इन क्वारंटाइन, whether it be ED, whether it be CBI, whether it be GST officials, if they have to raid something or if they have to do some investigation, it can't be stopped on the ground of quarantine. At best, you can, you know, whoever officers are going, they have to be COVID negative, so you can see the thermal temperature, but apart from that, nothing else. So the idea appears to be, and that is the most disturbing part, that somehow Mumbai police doesn't want the truth to come out. And that if it is delayed, if this quarantine is, supposing this 14 days quarantine is to continue, then this investigation will be completely meaningless. Whatever evidence that we are expecting to come out in the open, all that will be completely compromised and it will be completely tampered with. So this is a very, very gross case where the Mumbai police is obstructing the proper and due investigation of this case. Well, I have not had any word so far, but I can tell you he respects my view a lot, and I'm sure he will accept whatever I say, and I'm thinking that this matter should go to the CBI. तो आपको बताते चले कि वकील विकास सिंह का बयान सुशांत के पिता के सिंह के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि उनके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई, तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार मानकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया।